भारतवर्ष का संदेश साफ है, पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। आज नहीं तो कल हम पीओके को लेकर रहेंगे। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया है। तो टीवी 9 भारतवर्ष की टीम एलओसी पर पहुंची, पीओके के बिल्कुल पास। हमारे कैमरे ने कब्जे वाले भारतीय इलाके को करीब से देखा है। देखते हैं एलओसी से अंजु निर्वाण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चारों तरफ देखेंगे, ये एलओसी का वो इलाका है। हम लोग मौजूद हैं हिमालय के टेरेन में। करीब 7 लोग मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं। और अब देखिए किस तरीके से एलओसी पर सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों को नाकाम करने की बनी रहती है। ऐसे में किस तरीके से हमारे जवान कैसे अपनी हर एक इंच जमीन पर नजर रखते हैं, बैक अटैक के खतरे से कैसे निपटते हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एलओसी या पीओके के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा होता है बैक अटैक का। पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए हैं वो लगातार बैक अटैक के जरिए हमारे जवानों पर, हमारी सरहद पर हमला करते हैं। लेकिन ये जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी रखते हैं और बैक अटैक से होने वाले हर खतरे को भी ये भांप जाते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेट्रोलिंग की तस्वीर है कि किस तरीके से सरहद पर ये जो जवान हैं ये तैनात रहते हैं और बैक अटैक से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, चुनौती कदम कदम पर होती है। ऐसे में ये जवान पाकिस्तान सेना की फायरिंग का भी जवाब देते हैं, उसकी जद में भी अगर आए तो भी उसका जवाब देते हैं। और जिस तरीके से लगातार आतंकियों की घुसपैठ होती है और एक तरीके से जो आगे होकर लड़ने की शक्ति पाकिस्तान में नहीं है और अपने आतंकियों को वो घुसाता है, लेकिन ऐसे में भी उसका जवाब देने के लिए हमारे ये जो जवान हैं, हमारे ये निगाहबान हैं, सिकंदर हैं सरहद के, ये लगातार तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। और आप देख सकते हैं इनके ये कदम किस तरीके से ये पूरे ये जो पूरी ड्रिल होती है इसको अंजाम देते हैं। यहाँ फेंसिंग के इस तरफ भारत है और वहीं दूसरी ओर पीओके है, लेकिन हर इलाके को ये देखते हैं और सारे खतरे को भांपते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं वहाँ सामने वो जो तस्वीर है, वो जो बंकर बने हुए हैं वो पाकिस्तान के बंकर हैं, लेकिन वहाँ से भी अगर कोई फायरिंग होती है तो उसका जवाब भी हमारे ये जो जवान हैं वो देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ अंजु निर्माण, TV9 भारतवर्ष। और सरहद पर हम सिर्फ अपनी सुरक्षा को ही महफूज नहीं करते बल्कि अपनी विरासतों और संस्कृति को भी सहेजते हैं। एलओसी के बिल्कुल पास टीटवाल में ही जिस शारदा पीठ को कभी दुश्मनों के हमले की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, उसका अब निर्माण किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो फौज में MMG का मतलब होता है मीडियम मशीन गन, लेकिन यहाँ टीटवाल में आपको मैं दिखाना चाहूँगी, MMG का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। यहाँ पर शारदा यात्रा टेंपल दोबारा से स्थापित किया जा रहा है। साल 1975 में जिस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठियों और कबीलियों के द्वारा जो हमला किया गया था, तो यहाँ पर ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया था। इस मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसके बाद बहुत सारे जो सिख थे, हिंदू थे, उन्होंने यहाँ से पलायन किया। लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक इनिशिएट करके फौज के द्वारा और यहाँ के जो लोग हैं एलओसी पर टीटवाल गांव में रहने वाले लोगों की एक कमेटी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण दोबारा से किया जा रहा है। और इसी का एक यहाँ पर आपको बता दें कि टीटवाल गाँव में यहाँ पर एक शारदा यात्रा टेम्पल था जिसकी शुरुआत यहाँ से होती थी और उसके बाद वो मंदिर पहुँचता था पीओके में स्थित शारदा टेम्पल का जो शक्तिपीठ था वो वहाँ पर था। लेकिन जब 1975 में कबीलियों ने कब्जा किया, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा किया, तो उसके बाद वो हिस्सा इस मंदिर से छूट गया और वहाँ पर उस मंदिर का जो हश्र है, आपको बता दें कि वहाँ पर उस मंदिर को बंद किया गया है, तोड़फोड़ की गई और यहाँ पर भी जो मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। लेकिन दोबारा से ये इनिशिएट किया गया है, दोबारा से ये कोशिश की गई है यहाँ के गाँव वालों के द्वारा कि ये मंदिर जो है दोबारा से बनाया जाए। और ये जो हिस्सा है, ये मंदिर यहाँ पर शारदा यात्रा टेम्पल बनाया जा रहा है, MMG यानी कि
मीडियम मशीन गन यानी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा। और यहाँ पर ये जो पीछे आप ये जो खाली जमीन देख रहे हैं ठीक मेरे इधर, मैं अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहूंगी एक बार दिखाएं सामने ये जो खाली जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनेगा मस्जिद। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर आप देखिए गुरुद्वारा, इसको भी तोड़ दिया गया था, इस गुरुद्वारे का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो साल 1975 में ये गुरुद्वारा और ये मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब इनका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर एलओसी पर रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से ये मंदिर दोबारा से बने। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।